योर कंप्यूटर टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आज हम आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ाने जा रहे हैं. जो बेसिक चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि आज हम लोग किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक को आज हम एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है उसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, द फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस एंड द बूटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिनमें से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पर एक पॉइंट और आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. तो इनमें से देखिए, आज हम इवोल्यूशन, जनरेशन, इनमें से कुछ पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर अराउंड अस एंड दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है आज हर एक फील्ड में उसका यूज है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज ना किया जा रहा. जैसे कि फॉर एग्जांपल, चाहे हम रेलवे का एग्जांपल लें, पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल लें, हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, बैंक्स में, सभी जगह कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है. बिना कंप्यूटर्स के कोई भी डिपार्टमेंट इस समय वर्क नहीं कर रहा है. तो ये वही चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं. यहाँ पर देखिए, कुछ आपको फील्ड्स दिखाई जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर्स को हम यूज कर रहे हैं आज के समय पे. इनके अलावा भी हजारों लाखों फील्ड्स हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ आपको पर्टिकुलर कैटेगरीज दिखाई गई हैं, जैसे कि एजुकेशनल और रिसर्च में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, वेदर फॉरकास्टिंग में, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स एंड बैंकिंग. ये सारे कुछ फील्ड्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर फील्ड्स हैं और इनमें कंप्यूटर का यूज कंपलसरी है. इसमें कंप्यूटर के यूज के बिना अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, तो हमारे लिए जितना ज्यादा हम इनकी एप्लीकेशन आज के समय में यूज कर पा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंकिंग का रोल देखते हैं तो उसमें अगर हम एटीएम की बात करें, तो अगर कंप्यूटर नहीं होता तो एटीएम भी नहीं हो सकता था. इस तरीके से हर एक फील्ड में हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं. अगर ट्रैवल की बात करते हैं तो ट्रैवल में जो ऑनलाइन रिजर्वेशन हम घर बैठे करा लेते हैं, या ऑनलाइन जितनी भी चीजें इसकी ट्रैवल से रिलेटेड हम लोग सुविधाएं उठाते हैं, वो सभी कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल है. नेक्स्ट, हम यहाँ पर अगर एजुकेशनल और रिसर्च में बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारा कंप्यूटर का यूज करके बहुत अलग अलग फील्ड्स में नए नए रिसर्चेस करते हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं. ई कॉमर्स, आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कंप्यूटर का ही पूरा उसमें रोल होता है. बिना कंप्यूटर के ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है. सोशल नेटवर्किंग, आज के समय में सभी जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग बहुत ही एक पॉपुलर फील्ड है, जहाँ पर हम लोग सोशल नेटवर्किंग की हेल्प से अपने बहुत सारे वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं उठा सकते हैं. और साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग की हेल्प से आज के समय में हम लोग इनकम का भी एक जरिया बना हुआ है सोशल नेटवर्किंग, और वो सारी चीज़ें भी कंप्यूटर की हेल्प से पॉसिबल है. वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम विभाग की जानकारी जो कि सैटेलाइट की हेल्प से हमको मिलती है, वो भी एक कंप्यूटर की मदद से हमको संभव हो पाया है. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो कि हमने कंप्यूटर की देखी. आज के समय में इन सभी फील्ड्स में और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है. आज हमने सिर्फ कंप्यूटर की एप्लीकेशंस और उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे. तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज. थैंक यू.